नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर स्पाइरल टूल कैसे यूज़ करना है। तो स्पाइरल टूल होता है, यहाँ पर लाइन टूल के नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन होता है स्पाइरल टूल, ये हमने सेलेक्ट किया। और जहाँ पे भी आप माउस की लेफ़्ट की दबा के इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये एक स्पाइरल यहाँ पर बन गया। इसका कलर स्ट्रोक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको आप फिल कर सकते हैं, इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब स्पाइरल हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से अगर हमें शुरू करना है तो कीबोर्ड से ऑल्ट दबाते हुए एक बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आता है। इसमें रेडियस, डीके एंड सेगमेंट्स, स्टाइल, ये चार ऑप्शंस यहाँ पर है। अब इन चारों का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं। तो किसी भी तरह का स्पाइरल बनाने में फर्स्ट होता है रेडियस। अब ये स्पाइरल है, इसकी रेडियस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी भी सर्कल की रेडियस का मतलब निकालते हैं कि उसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये जो साइड है सर्कल का रेडियस कहते हैं। उसी तरह स्पाइरल में भी हम यही अज्यूम करें कि ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये आउटर जो होता है ये फर्स्ट सेगमेंट होता है, तो स्पाइरल के सेंटर पॉइंट से लेके आउटर सेगमेंट तक का हाइट या विड्थ जो भी हम काउंट करें वो रेडियस कहलाता है। जैसे इस सिचुएशन में ये सेंटर पॉइंट से इस विड्थ तक हम गए तो ये रेडियस 2 इंच का है। अब सेगमेंट्स का मतलब होता है कि ये स्पाइरल को अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेगमेंट से ये एक स्पाइरल बना है। ये जो भी एंकर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सेगमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर 15 सेगमेंट्स मैंने लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो एडिशनली अंदर है ये और छोटे छोटे सेगमेंट्स और 5 सेगमेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं। अब डीके का मतलब क्या है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट ये कहला रहा है, ये वाला फर्स्ट सेगमेंट है, और सेकंड सेगमेंट ये यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का सेकंड सेगमेंट है, तो इस फर्स्ट सेगमेंट के 80% ये सेकंड सेगमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पर शेप टूल स्केल टूल सिलेक्ट करती हूँ, जिसमें 80% स्केल के साथ मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, तो एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया 80% स्केल करने के साथ। अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ इस तरह से, तो ये जो सेकंड सेगमेंट बन रहा है फर्स्ट सेगमेंट से 80% का है। जैसे अगर मैं और आपको क्लियरली समझाऊँ, यहाँ पर हमने फर्स्ट सेगमेंट बनाया पूरा, फिर सेकंड सेगमेंट जो है वो 80% से कम हुआ, थर्ड सेगमेंट जो है वो और 80% से कम हुआ, इस तरह से सेगमेंट्स और जितना आप अंदर जाएंगे उतना 80% से वो कम होते जाएंगे। तो यही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका डीके मैंने बढ़ा दिया, 90% कर दिया, तो 15 सेगमेंट्स के साथ ये जो स्पाइरल बना है इसमें ये स्लोली अंदर की तरफ टर्न हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने डीके ज़्यादा रखा है, तो इसलिए इसमें हमें राउंड्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, स्पेस बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये रेडियस, डीके एंड सेगमेंट्स ये तो हमने समझा। अब इसको हम मैन्युअली भी जब स्पाइरल ड्रॉ करते हैं तब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं स्पाइरल टूल लेती हूँ और जैसे मैं ड्रॉ करना शुरू करती हूँ तो इसमें कीबोर्ड से यदि मैं अपर एरो की दबाऊँ तो इस तरह के सेगमेंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे, और यदि मैं डाउन एरो की करूं तो जो भी सेगमेंट्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे। इस तरह से एक एक सेगमेंट्स यहाँ से निकलता जाएगा ऐसे। यदि मैं इसको इस तरह से मूव करूं तो इसकी रेडियस मैं यहाँ से कम ज़्यादा ऐसे कर सकती हूँ। अगर मैं कंट्रोल दबाते हुए स्पाइरल को ड्रैग करती हूँ, इसका स्पाइरल इफ़ेक्ट कम होके एक सर्कल फॉर्म में आ जाएगा। इसमें हम चाहे तो फिर से इस तरह से सेगमेंट्स डाल सकते हैं,
अपर एरो की से, इसमें मैंने कंट्रोल दबाया तो ये फिर से नॉर्मल हो गया। जैसे मैं अंदर प्रेस करूँगी ये सर्कुलर बनेगा, और जिस तरह से मैं बाहर लाऊँगी ये स्पाइरल होता जाएगा। अब यहाँ पर यदि मैं ऑल्ट दबाते हुए इसको अंदर डालूँगी तो जो भी सेगमेंट्स है वो उस स्पाइरल के शेप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, उसको कम कर देगा। ऑल्ट के साथ ही यदि मैं उसको स्पाइरल को बड़ा करूँ तो और सेगमेंट्स वो उसमें ऐड कर लेगा। इस तरह से अभी मैंने ऑल्ट छोड़ दिया तो जो जितनी सेगमेंट्स से उतनी सेगमेंट्स के साथ ही ये स्पाइरल छोटा बड़ा होगा। ऐसे किसी स्पाइरल को यदि आपको इसी सेंटर पॉइंट से ही अगर बनाना है तो यहाँ पर ऑल्ट क्लिक करते हुए इस तरह से आप बनाना शुरू करें तो ये एग्जैक्टली उसका सेंटर पॉइंट आएगा। अब हम एक स्पाइरल यहाँ पे बनाते हैं कि स्पाइरल से डिज़ाइंस हम कैसे बना सकते हैं, स्वर्ल्स कैसे दे सकते हैं, किसी भी तरह के फ्लावर्स डिज़ाइंस स्ट्रोक्स कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने पहले एक स्पाइरल बनाया छोटा सा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। और ये जो दूसरा स्पाइरल है मैंने इसी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से हल्का सा इसको आगे की तरफ रखा, ऐसे दोनों स्पाइरल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ एंड जॉइन ये मैंने कर दिया तो इसके जो एजेस है वो जॉइन हो गए। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, इसका फिल मैं अंदर येलो कर देती हूँ ऐसे, और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ इस तरह से। इरेजर टूल लिया और ये पोर्शन हमने रब कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर मैंने एक और स्पाइरल बनाया और इसको मैंने इसकी सेगमेंट्स मैंने कम कर दी ऐसे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और स्पाइरल को मैंने यहाँ पर रखा और इसके एंकर पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया तो ये हैंडल्स यहाँ पर बन गए। इसको जस्ट मुझे इस तरह से मूव करना है कि ये एक अच्छा कर्व शेप में इसे दे सकूँ। इसको मैं रोटेट कर देती हूँ ऐसे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका स्ट्रोक मैं ग्रीन कर देती और साइज़ बढ़ा दिया मैंने ओके। अब यहाँ पर मैंने एक एलिप्स ड्रॉ किया, इस एलिप्स का मैं कलर सपोज़ रेड आउटलाइन के साथ येलो कलर मैं फिल करती हूँ इसमें, और शिफ्ट दबाते हुए मैं एक एलिप्स यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ ऐसे। स्ट्रोक कम कर दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ पर इस एंकर पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया और इसको इस तरह से मैंने ड्रैग कर लिया। इस सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स को मैं कॉर्नर में कन्वर्ट कर देती हूँ इस तरह से तो ये एक पेटल का शेप बन गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया इस तरह से। इसको भी मैंने रोटेट किया ओके। तो ये हमारा यहाँ पर शेप्स बन गए। अब हमको इसको प्लेस करना है तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये एक शेप रखा, थोड़ा सा एक्सपांड किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें, इस स्पाइरल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस स्पाइरल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल जी कर देते हैं एक ग्रुप करने के लिए, और इसको मैं उठा के यहां पर रख देती हूं ऐसे।
इसी को ऑल्ट दबाते हुए इस तरह से नीचे पेस्ट कर दे। तो इस तरह से ये आपका फ्लावर बन गया। अब आप चाहे तो इसको कंट्रोल ए करें एंड यहाँ पर विंडो में जाके ब्रशेस ये डायलॉग बॉक्स ओपन करें। यहाँ पर होता है न्यू ब्रश, तो आप इस आपने ये जो स्पाइरल से डिज़ाइन बनाई है आप हमेशा के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। इसका जो भी चाहे नाम दे दे, फ्लावर, ओके कर दीजिए। और ये फ्लावर, ये डिज़ाइन अब यहाँ पर हमेशा परमानेंट यहाँ पर रहेगी। इसी तरह का एक और फ्लावर मैंने पहले यहाँ पे बनाया था। अब मैं जब भी चाहूँ, ऐसे मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया नए डिज़ाइन को, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से प्लेस करूँगी तो ये एक फ्लावर वाला डिज़ाइन मेरा एक सेकेंड में यहाँ पर बन गया। एक और डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बना के रखा है ऐसे, ये फ्लावर एक बन गया। स्पायरल टूल की मदद से और क्या क्या अट्रैक्टिव स्वर्ल्स डिज़ाइंस हम बना सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल एकतास क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।